आरआर फिल्म्स के बैनर तले बनने जा रही हिंदी फिल्म इनक्रेडिबल इंडिया का मुहूर्त और फिल्म का पोस्टर लॉन्च मुंबई के एक होटल में बड़े ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। इस मौके पर फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी, तो वहीं बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार भी मेहमान के तौर पर यहां मौजूद थे, जिन्होंने फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी। जैसे कि हम बात करें तो इस मौके पर अभिनेता राजपाल यादव, मुश्ताक खान, अली खान ऐसे कई कलाकार इस मौके पर यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा फिल्म के कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में दिलीप केदार, विशाल देसाई, विजय सिंह पटेल, नीलम अरोरा, योगेश यादव ऐसे तमाम कलाकार हैं जो इस फिल्म में नज़र आएंगे। रेणुका और राज राजपूत सिंह इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहीं राज राजपूत सिंह इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने और फिल्म के कलाकारों ने फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। बहुत ही नेक काम है, बहुत अच्छी बात है। और ये दोनों जोड़ी जो है, राज राजपूत, रेणुका जी, इन्होंने पहली फिल्म भी बनाई थी बदला हिंदुस्तान का, जिसमें हम सब ने, मुश्ताक भाई, हम सब लोगों ने काम किया था। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि नए कलाकारों को लेके और नया सब्जेक्ट फिल्म बनाना, उसको रिलीज़ करना, बेचना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ये जो फिल्म शुरू हो रही है आज, ये बिल्कुल एक तरीके से कि अद्भुत भारत, यानी ये बहुत अच्छा टाइटल है और हम सब लोग उसके एक पार्ट ऑफ ये हैं, हिस्सा हैं इस फिल्म के। मैं बधाई देना चाहूँगा कि राजपूत इसी तरीके से सीनियर लोगों के साथ साथ नए कलाकारों को भी मौका देते हैं, बड़ी खुशी की बात है। और दुआ भी करता हूँ कि फिल्म शुरू हो, बने और रिलीज। देखिए, ये तो ये शुरू से, ये सब आर्मी के लोग हैं, हरियाणा के हैं, इनका पूरा ख़ानदान आर्मी में है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये लोगों की सोच वैसी है और ये चाहते हैं कि अगर फिल्म कंप्लीट हो, इसका जो भी जो इस फिल्म से मुआवजा मिले, वो 60% ही चाहते हैं कि कंट्री को, यानी इस हिंदुस्तान को दिया जाए और आर्मी के लोगों को उससे जो फ़ायदा हो पहुँचाए। ये भी दत्ता जी तो एक बहुत महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बहुत बड़ी फिल्में बनाया है उन्होंने, उनका इनसे कोई मुकाबला नहीं। इनकी कोशिश है, ये अपने लेवल पे एक कोशिश कर रहे हैं, जिसके हम लोग सपोर्टर हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा उछाला भी जा रहा है और बहुत सारे लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा, तो बहुत पुरानी बात है ये, और 25-25 साल पुराने केस को लाया जा रहा सामने, तो बहुत सोच समझ के। और बाकी ठीक है, ये एक अच्छी शुरुआत है, आने वाले लोगों के लिए अलर्टनेस है, अलर्ट हो जाएंगे लोग, जो आने वाली जनरेशन है, आने वाले जो मेकर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, उनके लिए सावधान इंडिया हो जाएगा। ये जो हाईलाइट किया जाता है एक्सप्लॉइटेशन से वुमेन को होता है, ये कितना सही या गलत है, क्योंकि एक्सप्लॉइट को पूरी मीडियम किया जाता है मैन हो या वुमेन हो, तो ये चीज़ आपके बारे में कहना चाहेंगे? नहीं, ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा बन चुका है। अब तो बहुत सारे, आप MJ अकबर साहब ने, उनको रिजर्वेशन देना पड़ा इस मुद्दे में फंसने के बाद, तो मुझे लगता है कि जिसका भी नाम आएगा और अगर सच्चाई है तो उनको उसका जवाब देना होगा। सबसे पहले तो मैं रेणुका राजपूत को उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आज उनके ये यहाँ के लिए, राज राजपूत के लिए दोहरी खुशी है, उनकी पत्नी का जन्मदिन है, उसके बाद ये फिल्म उन्होंने लॉन्च की है, बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और मैंने भी उनकी फिल्म की थी बदला हिंदुस्तान का, तो उनका थॉट एक्चुअली वही है, हिंदुस्तान को लेकर के, अपने राज को लेकर के, और उसी के अंदर वो फिल्म बनाते हैं, है ना। ये भी इनक्रेडिबल इंडिया जो है, वो भी वो सब्जेक्ट भी उनका वही है, कोशिश पूरी रहती है। और इस बार तो शायद वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो उनको मैं मुबारकबाद दूँगा और बहुत अच्छी बात है।
हम सब मिलकर के जितना भी हो सकता है नए लोग फिल्म बनाएंगे, क्योंकि पुराने लोग ठीक है बना लिए उन लोगों ने। अब क्या होता है कि हर आदमी फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से वो फिल्म बनाता है। कोई थॉट तो है, सोच तो है उसके पास भी है, तो ठीक है एक छोटे हो सकता है एक अच्छी फिल्म बन जाए और वो हिट हो जाए और लोगों को पसंद आ जाए। सर आपने क्या कह रहे हैं बारे में? और अभी तो फिल्म के बारे में मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, सिर्फ ये है कि जिस तरह से इनकी सोच है, जो देश के प्रति जिस तरह की चॉइस इन्होंने जैसे पहली फिल्म बनाया और अभी ये फिल्म बना रहे हैं, एक बहुत साहसी कदम है, बहुत बढ़िया कदम है, और आर्मी के लिए इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं ये बहुत अच्छा हुआ है। उम्मीद यही है कि फिल्म जो है अच्छे से बिजनेस करेगी और देश का हमारा अच्छा आर्मी का फ़ायदा होगा उससे। सबसे पहले मैं रेणुका राजपूत जी को नमस्कार भी करना चाहता हूँ, उनके जन्मदिन पर बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दिन उनका जन्मदिन भी है और आज किसी का मुहूर्त भी खाते हैं। मुहूर्त में ये आता है कि ये फंक्शन तैयार हुए और उसी तरह से रिलीज हुए जिस तरह से हमने इनकी पहली पिक्चर रिलीज की थी। उनकी फर्स्ट मूवी बदला है सारे हिंदुस्तान में रिलीज किया मैंने, बहुत ही अच्छा इसका प्रोग्राम लोगों ने असर सराहा और आज भी कई चीज़ें मंगल कर रहा है। बहुत बहुत बधाई हो रिलीजर किसी को और सब होने का राज बधाई देना चाहता हूँ जो ये फिल्म में पहली बार डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि अच्छे से डायरेक्शन करके और थिएटर तक पहुँचाएंगे। हमने ज़्यादा कोशिश करूँगा कि इस बार जितने थिएटर मिले थे इसे डबल थिएटर दिलाओ इस फिल्म को और कामयाबी प्राप्त करें, यही मेरी आशा है। पूरी टीम को शुभकामनाएं देने आया हूँ मुहूर्त के माध्यम से। पूरी टीम बहुत अच्छी है, राजपूत बहुत छोटे भाई जैसा, हम चाहते हैं खूब अच्छी फिल्म बनाए, सबको देखने मज़ा आए। मीडिया आप सभी लोग इसको एक प्रोत्साहन के रूप में आए, आप सभी का भी धन्यवाद। मुझे भी इस टीम का हिस्सा होने का एक मुहूर्त के रूप में सौभाग्य मिला। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, मुश्ताक भाई को, अली भाई को, सब लोगों को जितने दोस्त भी हैं, और सबको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। खूब खूब अच्छी फिल्म बनाइए, खूब नाम कीजिए। थैंक यू सो मच।